हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इकरा। मैं आपको बताऊँगी हेयर स्पा एट होम कैसे करते हैं। सबसे पहले हेयर वॉश होने चाहिए आपके, और अच्छे से शैम्पू भी होना चाहिए, थोड़ा सा भी ऑयल नहीं होना चाहिए बालों में। फिर आप अपने बालों को अच्छे से ड्राई कर लें, और आप जब मेरे बताए गए तरीके से अगर हेयर स्पा करते हो ना, तो आपके बाल ऐसे ही शाइनिंग करेंगे जैसे मेरे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने डैमेज हो रहे हैं स्मूथनिंग के बाद, कितने ड्राई फ्रीजी हो रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। अब रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, आपको मैं बता देती हूँ हेयर स्पा के लिए क्या क्या होना चाहिए। हेयर स्पा कैराटीन, ये मैंने कैराटीन वाला हेयर स्पा लिया है, नरिशिंग इसका, इसके ना आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं इसे, ऑनलाइन 500 का है, और ऑफलाइन भी आपको 500 का ही पड़ेगा। अगर आप कॉस्मेटिक की शॉप पे भी मिल जाएगा आपको आसानी से, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा आपको आसानी से। मैंने बाउल में निकाल रखा है ब्रश चाहिए आपको, 3 कॉम्ब चाहिए, एक थोड़ा बड़ा कंडीशनर चाहिए आपको, डव का कंडीशनर ले सकते हैं या फिर जो सा आपका फेवरेट हो वो ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने बालों को अपने दो पार्टीशन में बांट लिया, फिर मैंने पार्टीशन करके अपने बालों को गीला कर लूँगी, क्योंकि अगर हम हल्का सा गीला कर लेंगे ना, आपके जो प्रोडक्ट है ना कम क्वांटिटी में लगेगा और अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, जिससे ना आपके रूट्स वगैरह सब पे अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि ड्राई बाल आपको भी पता है, ड्राई होने के बाद अगर बालों में कॉम करते हैं तो टूटेंगे भी ज़्यादा और दर्द भी आपको ज़्यादा होगा, तो इसीलिए पहले हल्का हल्का गीला कर लेंगे आप अपने बालों को। आप स्प्रे बॉटल किसी से भी ले सकते हैं, मेरे पास गुलाब जल की शीशी पड़ी थी, मैंने उससे गीला कर लिया। और पहले करने से पहले आप कोई ऐसी टी शर्ट पहन लीजिएगा जो बेकार हो थोड़ी सी, या फिर जो ज़्यादा अच्छी ना हो, क्योंकि मम्मी से डांट पड़ने के बाद तो मज़े मम्मी तो आपको छोड़ेंगी नहीं। फिर आप इसे ना हेयर स्पा को आराम से अपनी रूट्स पे भी लगा सकते हैं। मैंने सबसे पहले इसीलिए जड़ों में लगाया, क्योंकि हेयर स्पा आप अगर रूट्स में लगाओगे ना तो और ज़्यादा शाइनिंग आती है, और फिर बाल भी कम टूटते हैं, क्योंकि स्मूथनिंग के बाद तो आप सभी को पता है बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल तो बालों में अप्लाई हो चुका है। केमिकल के बाद अब इसे प्रोटीन देने की भी तो बारी है, प्रोटीन भी ज़रूरी होता है बालों के लिए, तो इसीलिए मैंने पहले रूट्स में अप्लाई कर लिया। आप भी रूट्स में अप्लाई कर लिए, या फिर जो सा आपको आसान लगे पार्टीशन करके स्टेप बाय स्टेप करना हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, वो आपके ऊपर है, बट मुझे जैसा कंफर्टेबल लगता है मैं तो उसी तरीके से करती हूँ। लेकिन आप अगर मेरे तरीके से कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे ना एक एक बाल है ना आपका, वो अच्छे से आपका आपके बालों को प्रोटीन मिल जाएगा उससे, और बाल भी कम टूटेंगे। क्योंकि मैंने जब इसे अप्लाई करा ना, आप मुझे काफ़ी मतलब कि मैंने बाल वॉश करे ना, जब भी मेरे बाल टूटे नहीं थे, क्योंकि एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों को मिलता है अच्छे से। इसके बाद मैंने जब लेंथ में लगाऊंगी ना, तो मैंने ये कंडीशनर थोड़ा सा इसमें हेयर स्पा में अपने मिला लिया, क्योंकि कंडीशनर रूट्स में तो लगा नहीं सकती क्योंकि हेयर फॉल होने लगता है, तो इसीलिए आप रूट्स के बदले जब नीचे लगाओगे ना लेंथ में बालों की, तो आप कंडीशनर मिला के हेयर स्पा लगाना, जिससे आपके जो फ्रिजीनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी आपके बालों की। क्योंकि लेंथ जो होती है ना हमारे बालों की, वो इतनी ज़्यादा वो होती है रफ़ और फ्रिजीनेस कह लो कुछ भी, वो आपकी मर्ज़ी है, बट डब कंडीशनर थोड़ा सा मिलाने से ना आपकी ये जो तो थोड़ा सा ड्राइनेस है ना, ये भी आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। ऐसे करके आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने हैंड को ऐसे करके करोगे ना, तो आपके एक एक बाल में अच्छे से क्रीम जाएगी, क्योंकि क्रीम जितनी अच्छे से जाएगी रिज़ल्ट उतना अच्छा आएगा, जितने अच्छे से आप करोगे उतने अच्छे से आएगा। और आप करने के बाद
अच्छे से ना ऐसे कॉम से बालों को कॉम करते रहना, क्योंकि इससे आराम से आपके बालों में भी प्रोटीन जाएगा और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि स्मूथनिंग के कुछ टाइम तक तो सभी बोलते हैं कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। ऑयलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी जब जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको जानना है कि स्मूथनिंग के बाद ऑयलिंग करनी चाहिए बालों में या नहीं करनी चाहिए, मैं तभी आपको बताऊंगी। मैं फिर इसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी एक। तब तक आप मेरी वीडियो ये वाली भी देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका प्यार मिलेगा तभी तो मैं और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगी। ये नहीं सोचना कि इतनी जल्दी जल्दी अप्लाई कैसे कर रही हूँ मैं और स्टेप नहीं दिख रहे। ये आप अपने जैसे मान लो आप मेहंदी लगाते हो, तो मेहंदी में जैसे या तो मम्मी से लगवा लेना, हेयर स्पा करा लेना, या फिर आप खुद से कर सकते हो। आप जब तक सोचोगे नहीं ना कि हाँ मुझसे नहीं होगा, जब तक होगा नहीं। अगर आपने सोच लेना हाँ मुझसे होगा, तो आप घर पे कर सकते हो आराम से। जैसे हेयर मास्क लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। कोई ऐसी नहीं है कि सैलून जाके इतना महंगा 1,000 2,000 का हेयर स्पा लोगे तभी आपको रिजल्ट दिखेगा, ज़रूरी नहीं है। आप 500 का हेयर स्पा लीजिए और घर पे आराम से अपनी हेयर स्पा करिए। मेरी वीडियो देखने के बाद आप आराम से हेयर स्पा कर सकते हो घर पे, और पार्लर जैसा ही रिजल्ट आएगा आपका। मैंने दोनों साइड अप्लाई कर ली, आपसे बात करते करते मैंने इतने सारी अपनी क्रीम अप्लाई कर ली, लेकिन हेयर स्पा लगाने के बाद क्रीम के कम से कम आपको 45 मिनट तक आपको इसे अपने बालों में लगे रहने देना है। और मैंने मेरे पास ये भाप की मशीन थी, तो मैंने मेरे पास वो नहीं है हीट लेने की, तो मैंने ये मशीन से हीट ली थी अपने बालों में। अब ये हीट क्या भाप क्या करता है हमारे बालों के लिए? ये जो मैंने क्रीम अप्लाई करी थी ना, ये भाप लेने से हमारे ये अच्छे से भाप हमारे बालों में जब जाएगी तो उससे हमारे जो स्कैल्प की रूट्स वगैरह होते हैं ना, वो ओपन हो जाएंगे। उससे हमारे बालों में प्रोटीन जाएगा, जिससे अच्छे से आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है आप क्या कहते हैं आपके पास भाप मशीन नहीं है तो आप खरीदो, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है उसके। अगर भाप की मशीन नहीं है, मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। पहले बालों को ऐसे करके आप लपेट लें। लपेटने के बाद थोड़ी देर जहाँ, वैसे आप लपेटने से पहले भी मसाज कर सकते हैं या लपेटने के बाद, आपकी मर्ज़ी है। वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टॉवल है, टॉवल को थोड़े गर्म पानी में डिप करें अच्छे से, निचोड़ के फिर बालों को अच्छे से भाप ऐसे भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है वो। ज़रूरी नहीं आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ख़रीद लो। अगर ज़रूरी नहीं है सेक्शन के लिए भी चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा सामान चाहिए, कुछ ज़रूरी नहीं है। बस आप क्लेचर से भी आप अपने बालों को सेक्शन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है वो। कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं कि आपको ख़रीदना है तभी आपका होएगा। भाप देने के बाद आप उन टाइम देख लेना, अगर 45 मिनट हो चुके हैं तो आप वॉश कर सकते हैं। आप फिर वॉश करने के बाद आप रिज़ल्ट देखना, आपको सच में आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे सच में पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब घर पे जैसा जितना अच्छा हेयर स्पा हो सकता है तो पार्लर जाने की क्या ज़रूरत है? जब इतना अच्छा हेयर स्पा एट होम हो सकता है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है फिर? तो आप अपना ध्यान रखना, अपने भाई बहनों का सबका ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना।